हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम है और अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम के अंदर स्किन जो है हमारी ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के कारण सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो हमारी पैरों की एड़ियाँ होती हैं वो फट जाती हैं बुरी तरह से। और कई बार क्या होता है कि इतनी महंगी महंगी क्रीमें लेके आते हैं, उसके साथ भी हमारी जो एड़ियाँ हैं वो ठीक नहीं होती। तो उसके लिए मैं आज आपको एक रेमेडी बनाकर दिखा रही हूँ जो कि बहुत ईजी और बहुत ही सस्ती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इसे ट्राई करें तो फिर मुझे बताएं कि आपको ये रेमेडी का इफेक्ट जो है वो कैसा लगा और आपको बहुत ही जल्दी इससे फर्क पड़ेगा। इससे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ तो, ताकि आपके पास मेरी हर रेमेडी पहुंच सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए हमने लिया है नारियल का तेल। नारियल का तेल एक ऐसा तेल है जो हर घर में होता है और इससे क्या होता है कि जो हमारे पैरों के नीचे ब्लैकिश होती है, ब्लैकिश भी दूर होती है। और दूसरा हमने ये ली है मोमबत्ती। मोमबत्ती भी हर जगह बहुत इजीली मिल जाती है और मोमबत्ती जो है ये मोम से बनी होती है और मोम जो है वो हमारे पैरों की एड़ियों को बिल्कुल ठीक करता है, दरारों को बहुत अच्छे से भर देता है और बहुत ही जल्दी ये असर करता है। तो हमने इसे यूज़ कैसे करना और बनाना कैसे है वो हम दिखाएंगे। इसके लिए मैंने, देख रहे हैं मौसम सर्दी का आ गया है और तेल जो है हमारा जमना शुरू हो गया है। इसके लिए मैं एक कटोरी में तेल डालूंगी, 2 चम्मच डाल लेती हूँ। अगर ये मेल्ट हुआ होगा तो ये 2 चम्मच से ज़्यादा ही बनेगा, 3-4 चम्मच हो जाता है ये मेल्ट होके। और इसके अंदर या तो आप इसको ग्रेट कर लो, ग्रेट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं इस तरह से। धागे को चाहे बीच में ही रहने दो, धागा बाद में निकल आएगा। हम इसको इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। हम एक बाम बना लेंगे इसका, बिल्कुल क्रीम बेस बन जाएगा ये। तो हम इसी तरह से बीच में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको क्या करेंगे, माइक्रो के अंदर इसको मेल्ट कर लेते हैं तेल को। तेल जब गर्म होगा तो मोम जो है अपने आप बीच में मेल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती जो है वो हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और तेल गर्म है, जो थोड़ी सी बची है वो भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। हम इसको अच्छे से हिला देते हैं, धागा इसका बिल्कुल अलग निकल जाएगा। आप चाहें तो आप इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि धागा जो है बिल्कुल अलग हो गया है और मोम जो है इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। तो अभी तो ये आपको देखने में पतला लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने पर ये बिल्कुल बाम की तरह बन जाएगा, जैसे बाम होती है। मोमबत्ती पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। तो अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है, अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ, हल्का गुनगुना है। तो आप देख रहे हैं कि इसने एक जेल की शेप ले ली है, ये जेल की तरह बन गया है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी इसे लगाना कैसे है। आपने अपने पैरों के ऊपर साइड पे इस तरह से इसे लगा लेना है और जहां आपकी लाइंस हैं उसके अंदर आपने इस तरह से इसको भर लेना है। इस तरह से भरते हुए आपने पूरा फैला देना है। तो फ्रेंड्स, फैलाने के बाद आपने, अगर इसे दिन में लगाया है, आपने इसके ऊपर ये करना है कि आपने इसके ऊपर सॉक्स डाल देनी है। वो इसलिए कि इसके अंदर डस्ट ना पड़े। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि लगाने के बाद डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपने पैरों को साफ करना है। साफ करने के बाद इसे इस तरह से अप्लाई कर देना है, जहाँ लाइन्स है वहाँ आपने इस तरह से इसको भर देना है और ऊपर लगा लेनी है सॉक्स। और अगर आप रात को लगा रहे हैं तो शायद आपको सॉक्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात के टाइम डस्ट का कोई वो नहीं होता। आप सोने से पहले अगर इसको लगाते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बट आप इसको दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, 3 बार भी लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस तरह से आपने इसको लगाना है और उसके बाद सुबह तक तो आपका ऐसे ही साफ हुआ होगा इस तरह से। अगर आप दिन में लगाते हो तो आपने ये लगाना है, इसको उतारना नहीं है, इसको वॉश नहीं करना, ये अपने आप धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। अगर आपने सॉक्स चढ़ा दिया ऊपर तो भी ये थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये अपने आप साफ होगा। ये ऑयल है और मोम है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको वॉश करना पड़े, आपको ये गंदा कर रहा है। तो रात को अगर सोने टाइम भी अगर आपको लगता है कि आपका जो क्विल्ट है या आपकी जो भी आप करते हैं ब्लैंकेट है वो ऑयली हो जाएगा, तो आप इसके ऊपर सॉक्स, पतली सी सॉक्स डाल सकते हैं, ताकि आपका कोई भी कपड़ा जो है वो खराब ना हो, ऑयली ना हो। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बाजार की क्रीम भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती। आप इसे लगा कर देखें। और आपने करना क्या है, किसी भी प्लास्टिक की शीशी में जेली वाली आती है, जैसे पेट्रोलियम जेली आती है, कोई भी, उसमें भर लेना है। मेरे पास ये नारियल के तेल की खाली डब्बी पड़ी है, मैं इसी में इसको डाल रही हूँ। आपने किसी भी प्लास्टिक की डब्बी में इसको डाल लेना है, डाल के रख लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फटी एड़ियाँ आपकी बिल्कुल ठीक होने वाली है और पैरों का कालापन भी जो है वो बिल्कुल साफ होने वाला है। आप आपका आपके जो पैर हैं वो भी आपके चेहरे की तरह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप सब आपको ये बहुत अच्छी लगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी, इसके इफेक्ट कैसे लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।